आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में शुक्रवार शाम तेलुगु देशम पार्टी और वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना जिले के माचरेला इलाके में हुई है। फिलहाल यहां धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल यहां के माचरेला गाँव में वाईआर कांग्रेस पार्टी के सरकार के खिलाफ टीडीपी कार्यकर्ता रैली करने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और पत्थरबाजी करने लगे। इनमें दोनों तरफ से लोगों को चोटें आई। हिंसक झड़प में कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। टीडीपी का कहना है कि वाईएसआर के कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस और नेताओं की गाड़ी में आग लगाई, जबकि रूलिंग पार्टी का कहना है कि इस झड़प में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चोट पहुंचाई। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हमले को लेकर गंटूर डीआईजी से पूछा कि जब माचरेला में हालात इतने गंभीर हो गए तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की।